तो दोस्तों आज हम बनाएंगे साउथ इंडिया का फेमस गन पाउडर या जिसे पोड़ी मसाला भी बोलते हैं। ये बनाने का बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। इसे आप 6 महीने तक स्टोर करेंगे तो भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल कुकिंग में। तो ये बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर लिया है आधा कटोरी उड़द की दाल। जिस कटोरी से मेज़र करके मैंने उड़द की दाल ली है, सेम उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर ली है मेज़र करके चना की दाल। तो उड़द की दाल से आधी मैंने चना दाल ली है और उड़द की दाल से आधी ही मैंने ली है यहाँ पर तिल। तो 1/4 कटोरी करीब मैंने तिल लिया है, 1/4 कटोरी चना दाल और आधा कटोरी उड़द दाल। और अगर सीधे तरीके से मैं आपको बताऊं तो जितनी हमने उड़द दाल ली है उससे आधी हमें चना दाल लेनी है और आधा ही हमें तिल लेना है। अब चना दाल और उड़द दाल दोनों को पैन में डाल करके हमें रोस्ट करना है। तेल वगैरह कुछ नहीं डालना है, पैन में डाल करके ड्राई रोस्ट ही करना है हमें इसे। तो आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू चलाते हुए मैं इसे भून रही हूँ। बस हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए इतनी देर ही हमें इसे भूनना है। अभी मैं पास से दिखाऊंगी आपको कि कितना भूनना है हमें इसे। तो ये देखिए हल्का हल्का सा कलर चेंज हुआ है, बस इतना ही भूनना है। साइड में रख देते हैं। अब उसी पैन में हम डालेंगे तिल और तिल को भी भूनेंगे। तिल को भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए करीब आधा मिनट में ही तिल भी भून चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। और इसके बाद हम कुछ चीज़ें और भूनेंगे। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ सूखी लाल मिर्च करीब 8-10, ये तीखी वाली लाल मिर्च है। तो ये मसाला थोड़ा सा चटपटा ही बनता है। थोड़ी सी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इमली इसमें ज़रूर डलती है, और थोड़े से कड़ी पत्ता। इन तीनों चीज़ों को भी हमें बिना तेल डाले ही भूनना है। आप देख सकते हैं बस इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहना है। तो करीब 1 से 2 मिनट लगेगा। पत्ते को आप तोड़ करके देख लीजिएगा, अगर सूखे पत्ते की तरह से चूरा बन रहा है तो मीन्स ये भून चुके हैं। तो ये देखिए तोड़ करके देख रही हूँ मैं, अभी चूरा नहीं बन रहा है इसका, तो मीन्स कुछ टाइम और लगेगा। फिर से कंटिन्यू चलाते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा तेल डाल सकते हैं, करीब 1 छोटी चम्मच, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल भी तेल नहीं डाल रही हूँ। तो ये देखिए ये सब चीज़ें भी भून चुकी हैं। अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं और इन्हें ठंडा होने देते हैं अच्छे से। जब ठंडा हो जाएगा तब हम इन्हें पीसेंगे। तो ये देखिए प्लेट में निकाल लिया है मैंने चना की दाल, उड़द की दाल को भी, और ये मिर्च, इमली और कड़ी पत्ता को भी। और अब ये ठंडे हो गए तो सबसे पहले हम मिर्च और कड़ी पत्ता, इमली पीस लेते हैं, और सेम जार में हम दाल और तिल भी पीसेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको पोड़ी मसाला की ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही आसान है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे डोसा पे डाल करके खा सकते हैं, इडली के साथ में खा सकते हैं, या फिर जैसे उत्तपम बनाते हैं साउथ इंडिया में तो उस पर भी इसे डाल करके खा सकते हैं। और मैं तो इसे सादा पराठों पर भी डाल करके खाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए मिर्च वगैरह हमने पीस ली है और अब इसी में हम डाल देंगे ये दालें और तिल, और इसे भी हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। पीसने का हमें इसे ध्यान रखना है, दरदरा सा नहीं पीसना है, बिल्कुल बारीक पाउडर जैसा बनाना है। आधा चम्मच करीब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक, और 1/4 चम्मच करीब मैं इसी में डाल दूंगी हींग। बस अब इन सभी चीज़ों को भी हम पीस लेंगे। तो दोस्तों है ना कितनी आसान सी रेसिपी। इसे आप महीनों तक स्टोर कीजिए बिना फ्रिज के, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इस गन पाउडर या फिर पोड़ी मसाला को वड़ा पाव पर भी डाल करके खाइएगा, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो ये लीजिए हमारा पोड़ी मसाला बन करके तैयार है। अब आप इसे इडली, डोसा, वड़ा या फिर सादा पराठा जिस पर डालकर खाना चाहे खा सकते हैं। तो इसे अब हम कांच की बोतल में भर करके स्टोर करेंगे जिससे कि ये महीनों तक ख़राब ना हो। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।